नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैंने जुलाई 13 यानी कि आज थर्सडे के वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एक्सपायरी पर बनाया है। शुरू करने के पहले एक बात पहले बता देता हूँ, FII आज सुपर सॉलिड बेरिश मूड में थे, बहुत माल बेचा है FII। तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ, और कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या किया वो देखते हैं। तो FII बहुत ही नेग्लिजिबल लॉन्ग अनवाइंडिंग, सामने से 9,000 प्लस का इंडेक्स शॉर्ट्स किया है उन्होंने और फिगर अब 86,000 पर आ गया। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ क्लियर पता चलता है जो शॉर्टिंग था वो निफ्टी फ्यूचर में हैवी शॉर्ट है उनका, और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट बराबर है लॉन्ग शॉर्ट का सिस्टम, बट मेन हिटिंग उन्होंने निफ्टी पे की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बहुत स्मॉल क्वांटिटी का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट, उससे भी स्मॉल क्वांटिटी का लॉन्ग अनवाइंडिंग उनके तरफ से। प्रॉप डेस्क ने आज के जो डाइव आया मार्केट में नीचे लास्ट 1.5 घंटा में, उस पर शॉर्ट कवरिंग की है या पहले ही सुबह वो हमें नहीं पता, बट आज उनके तरफ से शॉर्ट कवरिंग हुई है। क्लाइंट्स ने आज वही किया, शॉर्ट कवरिंग भी किए क्लाइंट्स ने, साथ में क्लाइंट्स ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी किया है आज के रैली में। तो ओवरऑल FII ने जबरदस्त शॉर्ट मारा इंडेक्स में आज, बाकी सब ने कवरिंग की इस वॉलेटाइल स्विंग में, प्लस माइनस सब तरह से करके कि चलो ये ट्रेंडिंग नहीं है, जो है मिल जाए। बट FII को लगता है कि नहीं, अपसाइड थोड़ा टफ है। इंडेक्स कॉल्स और पुट्स की बात करें तो इधर FII का डेटा थोड़ा न्यूट्रल है, जो कल बेरिश था आज वो न्यूट्रल, नई एक्सपायरी को लेके स्टार्ट हो रही है उनके तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज भी छुट्टी ले ली इंडेक्स ऑप्शन से, बोला हमें कोई मतलब नहीं है ये वीकली झमेले में। प्रॉप डेस्क की बात करें तो उन्होंने अब उनका सुबह देखिए, आज अगर हम देखें जो उनका बेरिश टोन था, आज फर्स्ट 4 घंटा तो उनको काफी पैनिक में रखा हुआ मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ने जो डंप लाया, तो देखा जाए तो इस एक्सपायरी में क्लाइंट्स विक्टोरियस रहे। हाँ, अनलेस कुछ क्लाइंट्स होंगे जो 1:30-2 बजे के बाद भी वो 10 रुपए 15 रुपए के पुट्स ऑफ 10,450 10,400 को लेके बैठे होंगे, तब दूसरी बात है, नहीं तो ओवरऑल क्लाइंट्स का विक्ट्री रहा इस एक्सपायरी में। अब नई एक्सपायरी की बात करें तो प्रॉप डेस्क ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है, ऑलमोस्ट फ्लैट एक्सपोजर दोनों साइड का, 1:1 से थोड़ा सा बाहर है, दोनों साइड का अपना पोजीशन खुला रख के जा रहे हैं। यहाँ पर क्लाइंट्स ने बुलिश लिया है फिर से, इवन दो कॉल्स भी उनका हैवी शॉर्ट है, बट पुट साइड का शॉर्टिंग डबल खड़ा है। तो आप बोल सकते हो यहाँ उन्होंने 1:1.5 जैसा एक्सपोजर किया है क्लाइंट्स ने, और यहाँ पर क्लियर 1:2 जैसा पोजीशन बनाकर चल रहे, डबल डबल शॉर्ट है पुट साइड में उनका, तो वो अभी भी पुट्स में शॉर्ट है। और क्लाइंट्स को मार्केट वीकली एक्सपायरी स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी के पहले आज के हैवी टर्मवेल में भी, लास्ट 2 दिन से जो अपसाइड में 19,500 से प्रेशर आ रहा है, तभी भी वो बुलिश है, क्योंकि 19,350-400 से वापस मार्केट रिबाउंड कर रहा है। उस 200 पॉइंट के रेंज में बहुत बड़ा एक्सपोजर क्लाइंट्स का निकल के आया है और न्यू एक्सपायरी। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो इधर फिर से FIIs ने जबरदस्त बेरिश टोन लिया है, लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत बड़ी क्वांटिटी है, सामने से फ्रेश शॉर्ट्स भी, तो उनका फिगर अब सिर्फ 63,000। ये जो फिगर है 63,000, नॉर्मली 30, 40, 50 नेट लॉन्ग पोजीशन उनका, ये एकदम एक्सट्रीम बेयर ट्रेंड में फिगर दिखता है। इस समय ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई में ये फिगर है। अगर आप डेटा पुराना चेक करोगे तो ये फिगर जब मार्केट रिकवर कर रहा था या डाउनवर्ड बॉटम एकदम पहुंच रहा था तब था। तो एक एंगल से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मार्केट यहां से वापस रैली शुरू करती है, ये क्योंकि हमने लास्ट 8 हफ्तों से देखा है कि थर्सडे फ्राइडे मार्केट टेंशन में रहता है, रेड रहता है, और फिर रिकवर मार के न्यू हाई मारता है। तो अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू होना है तो
ये फिगर में अभी जबरदस्त स्कोप है अप जाने का, जबरदस्त, यहां से उनका, यहां से। पर अगर हमें दिखता है कि ये नहीं, यहां में अगर इस लेवल को नहीं सपोर्ट कर पाता है मार्केट, तो शायद ये एक बार फिर नेगेटिव भी जा सकता है। उसको हम इमिजिएटली वैसा नहीं देखेंगे, एक दो दिन और देखते हैं कि वो एफआईआई क्या टोन लेते हैं, क्योंकि इस समय ये एकदम स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट रिएक्शन जैसा लग रहा है उनकी तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज जबरदस्त क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग की है। ये जो एफआईआई को शॉर्ट्स मिला है आज मार्केट में, ये सप्लायर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ऐसा लग रहा है, बट नॉट नेसेसरी सेम टू सेम स्टॉक हो, बट हुआ। प्रॉप डेस्क ने भी आज शॉर्ट कवरिंग किया है, साथ में उसके हाफ क्वांटिटी लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्लाइंट्स ने 1:4, वन जहां एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, सामने से चार शॉर्ट कवरिंग, तो एक बुलिश ट्रेंड क्लाइंट्स के तरफ से निकल के आ रहा है सब प्लेटफॉर्म में, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शंस में। प्रॉप डेस्क इंडेक्स फ्यूचर में अपना शॉर्ट्स कम करते हुए, ऑप्शंस में पर वो बेरिश है, स्टॉक फ्यूचर में भी उन्होंने अपना थोड़ा सा टोन माइल्डली बुलिश किया, बट एफआईआई ऑल आउट बेरिश में। एक नजर लगाते हैं ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट पर आज का ये जो डेटा है, ये एक दिन का डेटा है, 5 डे का डेटा। आज मुझे थोड़ा करेक्ट नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं वो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो ये आज वाले पांच टॉप हाईएस्ट हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले, तो आप इनको चेक कर सकते हो, बट ब्लाइंडली उस कैटेगरी में ट्रेड मत करिएगा। पूरा स्टडी करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के, अपना पूरा रिस्क मैनेज करके अगर कोई आपको ट्रेड मिले तो आप अवश्य कर सकते हैं उनमें। पुट कॉल रेशियो आज थोड़ा नॉमिनल बढ़ के आया, बहुत छोटा है बट थोड़ा नॉमिनल, क्योंकि आज मेजॉरिटी टाइम ऑफ द डे में मार्केट अप था, तो वो पुट राइटर ज्यादा है मार्केट में वैसा इस समय लग रहा है। तो ये अगर कल से फिर डिप मारेगा तो एक और साइन ऑफ कॉशन हो जाएगी मार्केट में। इधर स्टॉक कॉल्स और पुट्स की बात करें तो एफआईआई का न्यूट्रल 1:1 स्प्रेड है, या हैवी ड्यूटी पुट पाएंगे, देखिए सामने से 1500 400, तो अगेन ऑप्शंस में भी थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाया है उन्होंने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ना के बराबर कवरिंग आज। इधर प्रॉप डेस्क ने हैवी ड्यूटी कॉल शॉर्टिंग की, हैवी ड्यूटी 1:4 का स्प्रेड शॉर्टिंग में। पुट में भी उनका पुट बाइंग पुट शॉर्ट के सामने ज्यादा है, क्लाइंट्स का कॉल बाइंग हैवी है, और ये हम जानते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से हमें वो ज्यादा दिख रहा है, बट सामने से पुट शॉर्टिंग भी है क्लाइंट्स का। क्लाइंट्स ओवरऑल बुलिश मोड में इस रेंज में इस समय। चलिए एक नजर लगाते हैं ऑप्शन चेन में, पर वहां जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये आपको कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है कि ये खरीदे वो खरीदे, ये कर सकते हो, ये एक एडुकेशनल वीडियो है प्योरली ऑप्शन चेन और डेटा पर। आप अपने ट्रेड डिसीजंस को खुद पूरा चेक करके और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क मेजर करके ही कोई ट्रेड करिए। चलिए आगे देखते हैं डेटा क्या बताता है ऑप्शन का। शुरू करते हैं निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के साथ, आज उसका फर्स्ट डे था नई एक्सपायरी में, तो यहाँ पर हमें कुछ बहुत इसका तो अभी ऑप्शन लिक्विडिटी में इतना वो एक्टिविटी नहीं हुई है, बट है इसमें डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा है, पर बहुत ज्यादा नहीं। आप देखो सारा आज ही बिल्डअप हुआ है, आज ही बिल्डअप हुआ है, सब आज ही बिल्डअप किया उन्होंने। इधर पुट साइड में भी सेम टू सेम जैसा लग रहा है, आज के ही एक्टिविटी है, पहले से कोई एक्टिविटी नहीं है। सबसे ज्यादा हुआ है 8,500 पर, और डाउन साइड में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हुआ है 8,000 पर खड़ा है। बट अगर आप चार्ट देखे उसका, तो चार्ट्स के हिसाब से 8,200 से लेके 8,300 के बीच का बैटल लास्ट 2 दिन से हो रहा है, और अगर 8,200 में कोई क्रैक आएगा तभी वो 8,000 के तरफ टेस्टिंग में जाएंगे, और 8,300 के ऊपर फिर 8,000, नहीं तो ये कल भी इसी रेंज के अंदर में टाइम पास कर सकता है।
चलिए एक नजर लगाते हैं अब फिन निफ्टी पर कि फिन निफ्टी ने आज क्या प्रोग्रेस किया। तो फिन निफ्टी में फिर भी एक्टिविटी है, अच्छी एक्टिविटी है इधर, और आज के डेट के हिसाब से देखिए ये एक इंटरेस्टिंग है कवरिंग। 20,000 कॉल राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं है, वो निकलते जा रहे हैं उधर में, काफी कवरिंग हुई है। और राइटर जो है वो 2,100, 2,150 और इधर में अब ज्यादा फोकस कर रहा है, इधर में भर्ती फोकस है, ऊपर भी है सबसे ज्यादा ये 2,350। ये जो 2,350 है ये बिकॉज 2 दिन में हमने यहाँ से एक रिवर्सल देखा था, तो उस एंगल से वापस वहां पर थोड़ा राइटिंग हो रहा है, बट मेन राइटिंग 100 से लेके 200 के बीच में कॉल साइड। पुट्स की बात करें तो यहाँ पर 9,900 वाला सॉलिड राइटर है, 20,000 तो साइकोलॉजिकली हैवी फिगर वहां में भी है, बट नीचे ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो राइटर को 800, 900 पर, अपसाइड में उतना कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं दिख रहा है उनका राइटिंग पे। नीचे ऑल द वे डाउन यहाँ तक भी राइटिंग है, बट ये मोस्टली बायर ऑफ ऑप्शन है, ऊपर के ऑप्शन शॉर्ट के मार्जिन एडजस्टमेंट वाले। तो 2,500 का, 20,500 का पुट कॉल रेशियो भी काफी इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड है इस समय। तो कल के लिए मेरे हिसाब से 19,900 और 20,000 के बीच का फाइट है। 20,000 के ऊपर अगर कंटिन्यू करता है 20,200, सॉरी 20,200, ये एक बड़ा रेंज हो गया इसका, ये रेंज शायद मंडे ट्यूसडे तक भी चल सकता है ये वाला। अगर 20,200, 19,900 ब्रीच करेगा तभी डाउनवर्ड प्रेशर है, और 20,200 के ऊपर ये 350 वालों को टेस्ट कर सकता है आगे जाके यहाँ पर। तो ये ओवरऑल पिक्चर इसका भी निकल के आया है, इतनी हैवी वॉलेटिलिटी है नैरो रेंज में कि कोई ऊपर से सुपर शार्प दोनों साइड टेस्ट हो रहे हैं, जैसे आज हुआ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों कॉल साइड को सुबह और बाद में जो पुट वाले या जो एग्रेसिव पुट लिख रहे थे लेटर हाफ में उनको भी मार्केट ने टेस्ट कर दिया। चलिए सीएनएक्स बैंक निफ्टी देखते कि उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि वो 2 दिन से लोस को ऑलमोस्ट वहां टेस्ट करके वापस बाउंस मार रहा है। तो 44,550 एक बहुत क्रूशल पिक्चर होने वाला है आगे जाके, और अपसाइड में क्योंकि 2 दिन से वापस वो 45,000 को टच करके गिर रहा है, तो ये दो बड़े रेंज हो गए, 44,550 और 45,000। इन बिटवीन वोलेटिलिटी कंटिन्यू, बाय द सपोर्ट सेल द रेजिस्टेंस जैसा सीन बना रहा है। और अगर हम डेटा भी देखें तो देखिए 45,000 पर साइक, ऐसे भी राउंड फिगर लेवल है, ज्यादा राइटिंग होगा पर आज भी बहुत है, और ये तो आज वाले राइटर है पूरे। नीचे कोई कॉल अनवाइंडिंग वाला नहीं दिखा अभी तक, अभी भी ऑन है यहाँ पर, ये भी ऑलमोस्ट आज वाले हैं सब, तो इन पर हम उतना नहीं कर सकते कि वो रहेंगे कि नहीं, बट यहाँ पर पहले से डबल, पहले से ऑलमोस्ट डबल डबल, ये भी ये आज वाले राइटर है, कॉन्फिडेंस है राइटर का इन द मनी लिखने का। ये भी ये देखिए इतना हैवी क्वांटिटी पुट बायर 45,000। सो ये सब लेवल पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 44,550 अगर संभल जाए बहुत बढ़िया, अगर वो नहीं संभलता है तो नीचे यहाँ तक प्रेशर आ सकती है बैंक निफ्टी में, और अबव 45,500 पे, 45,000 पर तो जबरदस्त अपसाइड ओपन हो जाता है, बिकॉज वो थर्ड टाइम उसको ब्रीच करने की कोशिश करेगा। फिर निफ्टी चेक कर लेते हैं कि निफ्टी ने हमें कुछ ऐसा कमाल दिखाता है क्या। जुलाई निफ्टी में 19,400 का जो है लेवल,
ये बहुत क्रूशल होने वाला है, क्योंकि बार बार वहां आके टेस्ट करके बाउंस, और अपसाइड में मेरे हिसाब से 19,525, तो ये 550-500 का जो जोन है ये बहुत क्रूशल रहेगा। और आज राइटिंग देखिए 19,500, और पहले भी हैवी था, आज भी है, बट मोस्टली आज राइटिंग हुई है, तो उतना जब तक 400 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक ये राइटर उतना कॉन्फिडेंसली नहीं बैठ सकते हैं उनको, बिकॉज हमने देखा है थर्सडे डाउन फ्राइडे रिकवरी, या थर्सडे फ्राइडे डाउन मंडे गैप अप मार देते हैं। तो ये एक पोजीशन है जिसे हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे कि आगे जाके इस पर कुछ उस टाइप की ट्रेडिंग बन सकती है क्या। और अपसाइड में भी देखें तो आज इतनी वॉलेटिलिटी डे में, ये एक देखिए पहले से ओआई था उसके ऊपर एडिशन, ये भी पहले से ओआई है ऊपर से एडिशन, तो ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल दैट्स व्हाई है, इसीलिए 525 क्रूशल है। पुट साइड की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए आज मॉर्निंग में कुछ लोगों ने लिखा होगा जबरदस्त क्वांटिटी, वो लास्ट 1 आवर फॉल में नहीं निकले हैं, तो उनका अगर 400 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है उन पर जबरदस्त प्रेशर आएगा। तो कल आप इस एंगल को आप चेक कर सकते हो कि अगर यहाँ कवरिंग हो रही है कि नहीं, वो एक हिंट मिल जाएगा। नीचे में ये एडिशन फर्स्ट डे है कल एक्सपायरी का, तो कल भी हमें दो, अगर रेंज बाउंड रह गया निफ्टी बिटवीन 400 और 500, तो हमें दोनों साइड स्क्वीज दिखेगा फिर मार्केट में, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे ये 400-525 वाली जोन में निफ्टी अगर रहता है कि ब्रेक करता है कौन से साइड को। तो आज के मूवमेंट रेंज और डेटा के हिसाब से जो कल का बड़ा रेंज ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकला है वो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में सपोर्ट 8175, उसके नीचे 8100 रेजिस्टेंस, 8275 उसके ऊपर 8350 रेजिस्टेंस, फिन निफ्टी में सॉरी सपोर्ट फिन निफ्टी में 19875 उसके नीचे, सॉरी 19875 उसके नीचे 19750 रेजिस्टेंस, 2150 और 2300। बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट 44350 उसके नीचे 44000 रेजिस्टेंस, 44975 उसके ऊपर 45275 निफ्टी सपोर्ट, 19275 उसके नीचे 19150 रेजिस्टेंस, 19550 और 19625। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं, तब तक के लिए अनुमति।